नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इनके तरफ से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर लगभग 200 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। 200 करोड़ रुपए की पेनाल्टी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई है। अब ये पेनाल्टी उन्होंने क्यों लगाई है, क्या है इसका रीजन? कंपटीशन कमीशन का ऐसा मानना है क्योंकि फिलहाल जो है लॉकडाउन खत्म हुआ है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फिर से ओपन हुई है, इसलिए हम मारुति सुजुकी को कम पेनाल्टी लगाए, सिर्फ 200 करोड़ रुपए की ही पेनाल्टी लगाए हैं। लेकिन ये पेनाल्टी लगाने का रीजन क्या है, आइए करते हैं हम इस बारे में डिटेल में बातचीत। तो यह ऑर्डर पास हुआ है कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो कॉम्पिटिशन कमीशन का ऐसा कहना है कि उनको अनोनिमस पार्टी से, मतलब जो सेंडर है उसने अपना नाम नहीं बुलाया, उन्होंने ईमेल किया था 17 नवंबर 2017 को। 17 नवंबर 2017 को जो ईमेल आया था उनको, उसमें ऐसा लिखा गया था कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है वो उनके जो सेल्स पॉलिसी जो है वो कस्टमर्स के हित में नहीं है। कस्टमर्स के हित में उनके जो सेल्स की पॉलिसी है जिस पे वो व्यापार करते हैं वो कस्टमर के हित में नहीं है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के जो प्रोविजन थे उसके भी खिलाफ उनके कुछ सेल्स पॉलिसी जा रहे, ऐसा जो सेंडर थे उनका कहना था। और उन्होंने ऐसा बोला था कि जो डीलर्स हैं मारुति सुजुकी के, खास करके वेस्ट टू रीजन के, मतलब महाराष्ट्र राज्य में, जैसे कि मुंबई गोवा छोड़ के बाकी सारे महाराष्ट्र में जहाँ पे डीलर्स जो होते थे उनको डिस्काउंट देना अलाउड नहीं था। मतलब मारुति सुजुकी कंपनी जो है जो अपनी जो कारें है वो डीलर्स के पास भेजते, डीलर कार कंपनी से खरीदते और वो डीलर जो कार खरीदते हैं वही कार डीलर जो है कस्टमर्स को बेचते, ऐसा एक्चुअली डील होता है। लेकिन डीलर्स जो है उनके पास जब मारुति कार जब बेचती है डीलर्स को, तो डीलर्स को ऐसा बोलती है कि हमने जितनी प्राइस बोली है उसके नीचे आप कस्टमर्स को डिस्काउंट नहीं दोगे। डीलर को ऐसा बोलते थे कि हमने जितनी प्राइस बोली है उसके नीचे आप कस्टमर्स को डिस्काउंट नहीं दोगे, तो उसके कारण कस्टमर को क्या होता था, कार महंगी पड़ती थी, क्योंकि कस्टमर अगर जब भी डीलर से बार्गेन करने जाता था तो डीलर डिस्काउंट नहीं देते थे। अगर डीलर ने कंपनी के खिलाफ क्या क्या अगर डिस्काउंट दिया भी, तो मारुति कंपनी क्या करती थी कि डीलर्स को पेनाल्टी लगाती थी, लगभग 50,000 रुपये तक की पेनाल्टी भी डीलर को लगाती थी मारुति कंपनी, अगर उसने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो। अब मारुति कंपनी को कैसे पता चलता था कि डीलर जो है उन्होंने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो उसके लिए मारुति कंपनी जो है वो ऑडिट करवा के लेती थी, और वो ऑडिट का नाम होता था मिस्ट्री ऑडिट, मतलब मिस्टीरियसली शॉपिंग ऑडिट किया जाता था मारुति कंपनी में। मतलब कोई भी कस्टमर बन के, कोई भी ऑडिटर होता था कंपनी का, वो कस्टमर बन के डीलर के पास जाता था, वो डिस्काउंट मांगता था, अगर उसको डिस्काउंट ऑफर किया डीलर ने तो वो जो ऑडिटर जो कस्टमर बन के गया है वो कंपनी को बताता था, फिर कंपनी डीलर को ईमेल भेजती थी और उनको बोलती थी आपको पेनाल्टी लगा दी जा रही है क्योंकि आप कस्टमर को हमने जो डिस्काउंट बोला है उससे ज़्यादा आप डिस्काउंट दे रहे हो। और उनको जो भी डीलर है उनको ऐसा बोला गया था आपके ऊपर जो भी पेनाल्टी है वो आप कंपनी में नहीं भरोगे तो आप भरोगे जो पुणे में वंडर कार्स प्राइवेट लिमिटेड है उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है स्वाति काळे, जो विनोद काळे करके उनकी वाइफ है, उनके नाम से आप जो भी पेनाल्टी है पेनाल्टी रकम जो है उनके पास ही दोगे, ऐसा बोला गया था। मतलब कंपनी अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेती थी पेनाल्टी के ताकि पकड़े न जाए, वो पैसे लेते थे वंडर कार्स प्राइवेट लिमिटेड की महोदया स्वाति काळे, इनके नाम से वो चेक लेते थे, और फिर सारे डीलर्स जो है उनको पेनाल्टी भरनी पड़ती थी अगर उन्होंने कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया तो। अब जाहिर सी बात है, अगर मारुति कंपनी अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट नहीं देगी तो ऑब्वियस सी बात ये हो जाती है कि इंटर कंपनी भी प्रॉब्लम होती है और इंट्रा कंपनी कॉम्पिटिशन भी कम होती है। मान लो कि मारुति की कोई कार है 5 लाख को और वो डीलर जो है डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो बट ऑब्वियस है मारुति के कॉम्पिटिशन वाले जो भी कार वाले, फॉर एग्जाम्पल ह्युंडई कार वाला है, तो उसको पता है कि मारुति की कार 5 लाख के नीचे नहीं बेची जा रही है, तो उसका भी डिस्काउंट लिमिट होता था, वो लिमिटेड हुआ करता था, वो बोलता था हम 4.75 को आपको कार देंगे, उसके नीचे वो आता नहीं था क्योंकि सबको पता चलता था कि मारुति का जो है डिस्काउंट के सेल्स पॉलिसी का बहुत बड़ा इशू है, मारुति डिस्काउंट नहीं दे रहे तो अपने को डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, हम लगभग
मारुति से कम प्राइस में, थोड़ा सा कम प्राइस में भी हम बेचेंगे तो चलेगा। मारुति के फिगर जो है सारे के सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को मालूम करते थे कि कितने तक ही ये डिस्काउंट दे पाएंगे। सारे डीलर्स जो है उनकी प्राइसेस जो है वो सारे बाकी के ब्रांड कंपनी है उनको मालूम करते थे, और उसी के कारण कंपटीशन जो है मार्केट से लगभग चली गई थी। मारुति को भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मारुति का कोई सेल्स कम नहीं होने वाला था अगर उन्होंने ज़रा डिस्काउंट नहीं ऑफर किया, क्योंकि उनका जो मार्केट शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए मारुति को भी वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लगभग अभी उन्होंने 2021 एंड तक उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया हुआ है, तो मारुति को भी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि कस्टमर को डिस्काउंट देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कस्टमर है अपने पास आएंगे, ये उनकी धारणा थी। और उसी के चलते वो डिस्काउंट नहीं देते थे, और उसी के कारण कस्टमर को क्या है कि ज़्यादा प्राइस में कोई भी ब्रांड की कार है वो ज़्यादा प्राइस में लेनी पड़ती थी, क्योंकि बाकी ब्रांड वाले भी अपने प्राइसेस नहीं गिराते थे। मारुति के साथ कंपटीशन होने का कोई सवाल ही नहीं था, उनको थोड़ा सा प्राइस कम करके कस्टमर को वो बेचते थे, तो कस्टमर को कार बहुत महंगी जाती थी। कंपटीशन मार्केट का लगभग खत्म हो गया था, कॉम्पिटिटिव मार्केट रहा नहीं था। जैसे क्या होता है कि अगर मारुति की प्राइस अगर कम है और डीलर और ऑफर देता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे डीलर के पास, दूसरे ब्रांड के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं अरे मारुति की तो इतने को दे रहे हैं, यहाँ तक कम आए, आप कम में दे दो। तो फिर आपको जो कार 4,75,000 में हुंडई की मिल सकती है, वो फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो वो कार आपको लगभग हो सकता है 4,50 में मिले या फिर 4,25 में मिले, आपका फायदा हो सकता है अगर कॉम्पिटिशन मार्केट में मौजूद हो। लेकिन मारुति सुजुकी ने क्या किया था कि अपने डीलर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाया था, उनको ऐसा बोला था कि आप कभी भी किसी को भी डिस्काउंट नहीं दोगे, जितना प्राइस हमने बोला है उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो, अगर आपने उससे ज़्यादा अगर आपने डिस्काउंट दिया तो आपके ऊपर हम पेनाल्टी लगाने वाले हैं, ये बात सामने आई। साथ ही साथ ये जो तो हो गया इंटर कंपनी कॉम्पिटिशन, तो मारुति ने ख़त्म करी थी, लेकिन इंट्रा कंपनी भी उन्होंने कॉम्पिटिशन कम कर दी थी, मतलब अपने कंपनी के कंपनी में भी उन्होंने डीलरशिप पे रेस्ट्रिक्शंस लाए हुए थे, तो ज़्यादा डीलर्स भी उन्होंने अपॉइंट नहीं किए थे, तो उसी के कारण इंटर कंपनी कंपटीशन भी नहीं थी और इंट्रा कंपनी भी कंपटीशन नहीं थी, तो उसी के कारण प्रॉब्लम होना चालू किया गया हो गया था। ये लगभग ईमेल जो आए थे कंपटीशन कमीशन को, कोई अनोनिमस सेंडर था जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, उन्होंने बहुत सारे ईमेल्स के साथ कोई कोई अटैचमेंट भी दिए थे। उसमें एक ऐसा ईमेल अपने को एग्जाम्पल लेते कि आप अगर पुराने डीलर्स को, मारुति कंपनी जो है कि आप कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करोगे तो हम आपको पेनाल्टी लगाएंगे, ऐसे अलग अलग ईमेल्स भी मारुति कंपनी की तरफ से किए जाते थे। यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि आपने अगर डिस्काउंट 2,000 के ऊपर मैक्सिमम 5,000 दिया तो आपको पहली बार वायलेट किया तो आपको 50,000 की पेनाल्टी, दो बार आपने ऐसा किया तो 1,00,000 की पेनाल्टी, डिस्काउंट आपने कितना डिस्काउंट देना है वो भी कंपनी डिसाइड करती थी, तीसरा डिस्काउंट दिया तो 1,50,000 की पेनाल्टी आपको लगेगी। तो डीलर भी डरे हुए थे, डीलर्स भी अपने कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दिया करते थे, क्योंकि कंपनी जो है सीधा पेनाल्टी लगाती थी, और वो पेनाल्टी जो है वो कंपनी अपने पास नहीं लेती थी, कंपनी थर्ड पार्टी के अकाउंट में लेती थी और थर्ड पार्टी कंपनी के इशारों पे वो पैसे का खर्चा करती थी। तो ये मारुति ने अजीबोगरीब रूल बनाए थे अपने डीलर्स के लिए कि आपको पेनाल्टी लगाएंगे अगर आपने कार सस्ते में बेची तो। तो उसी के चलते उन्होंने ऐसा बोला, ये अपने को एक बलेनो का एक ऑफर दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा बोला गया कि डिस्काउंट इन एनी फॉर्म्स एक्सेसरीज, यहाँ पे बोला गया है कि आपको पेनाल्टी कितनी लगेगी। पहली पेनाल्टी आपको बोली गई है 5,00,000 की, दूसरी 10,00,000 की, तीसरी 15,00,000 की, और वो टॉप मैनेजमेंट एस्केलेट कर सकती है। तो इतनी सारी पेनाल्टी मारुति अपने डीलर्स के ऊपर लगाया करती थी अगर उन्होंने डिस्काउंट एक्स्ट्रा ऑफर किया तो। तो आपको मारुति कभी भी सस्ते में नहीं मिलती थी, आप डीलर के साथ निगोशिएशन भी ठीक से नहीं कर पाते थे, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि इसके नीचे आपने अगर प्राइस में बेचा तो हम आपको पेनल्टी लगाएंगे, तो डीलर अपने डर के मारे कभी भी किसी को भी डिस्काउंट देने को मना करते थे। मारुति को वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी कार वैसे भी बिकनी है, डिस्काउंट नहीं दिया तो भी उनके कस्टमर जो है कहीं भी जाने वाले नहीं थे। तो मारुति ने लगभग इंटर कंपनी और इंट्रा कंपनी उन्होंने डिस्काउंट जो है वो ख़त्म ही कर, कंपटीशन जो है वो ख़त्म ही कर दी थी लगभग, क्योंकि बाकी के सेलर्स जो है, बाकी ब्रांड के सेलर्स, उनको भी मारुति की प्राइसेस मालूम होती थी, तो वो भी एक लिमिट के ऊपर नीचे नहीं गिरते थे,
वो नीचे नहीं गिरते थे, तो कस्टमर्स को कार जो है वो महंगी पड़ती थी, कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। वरना कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन कंपटीशन में क्या है, चीज़ों की कीमतें जो है वो उतरती जाती है। तो ये एक ईमेल है, यहाँ पे अपने को एंड में मालूम गिरता है कि कंपनी जो है मारुति, उनके ऊपर पेनाल्टी लग गई है, और ये पेनाल्टी लगाई गई है 200 करोड़ रुपए की। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन का ऐसा मानना है कि हम इनको 200 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है, लेकिन मैक्सिमम पेनाल्टी जो है ये कायदे की अगर हम बात करें, जो होती है एवरेज टर्नओवर होता है कंपनी का, कोई भी 3 साल का एवरेज टर्नओवर निकालते हैं, और उसका 10% तक हम पेनाल्टी लेते हैं। जैसे मारुति की बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार इनका सालाना टर्नओवर रहता है। अगर 2021 की बात करें, 23 हज़ार करोड़ का टर्नओवर इनका रहा, तो इतना अगर टर्नओवर है और उसका 10% अगर पेनाल्टी है तो बहुत महंगा पड़ सकता था पेनाल्टी। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन उतरा है और अभी अभी ये एक पोस्ट पैंडेमिक बिजनेस रन हो रहे, इसीलिए उनके ऊपर 200 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मारुति कंपनी जो है उन्होंने ये वायलेट किया था, कंपटीशन कम करी थी, इसीलिए उनके ऊपर पेनाल्टी लगी हुई है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।